आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है। आसनसोल रु ममता को मोदी टारगेट लीक ऑडियो टेप को नहीं पर्सिले ममता अमानविकता और निष्ठुरता को निंदा लोकों मृत्यु को नहीं राजनीति करुछंती ममता। आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? पश्चिम बंगर आसानसोल निर्वाचन रैली रे बहु शीघ्र बेंगल रे असल परिवर्तन हेबो बोली संबोधन रे कहिले प्रधानमंत्री। आउ मात्र अल्प दिन परे दीदीक निर्मम और भ्रष्टाचार शासन कबलरु बेंगल मुक्ति पाइबो। 10 वर्षरा कट मनी सिंडिकेट और तोलाबाजी द्वारा अतिष्ट होइतिबा बेंगलवासी मे 2 रे दीदीक पीड़ा देबे। यहाँ सहित दीदी भाईपो राजनीतिर परिसमाप्ति घटिबो। तेबे आसानसोल निर्वाचनी सभारे ममता दीदी लीक ऑडियो टेप को नहीं पर्सिछंती प्रधानमंत्री मोदी। टेप रे दीदी जेपरी व्यवहार करुछंती और जेपरी भावरे निष्ठुरतार सहित मृत लोकंक शोभायात्रा करबाकु कहउछंती ताहा तांक असली मुखा खोली दैछि। दीदी मृत लोकंकु नै राजनैतिक खेल खेळुछंती। राज्यर मुख्यमंत्रीकर निज राज्यर एक दुखद घटना को नहीं एपरी चिंताधारा थिबार एही ऑडियो टेप खुलासा करिछि ओ एथि सहित एपरी निर्मम सरकार को क्षमतारु हटाइबार समय आसीछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा, ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत। पश्चिम बंगवासी केंद्र सरकार अनेक योजना प्रस्तुत करथिले, विशेष करी महिला युवक और कृषक मानक कोटी कोटी टंकार अनेक योजना करा जाइथिले। मध्य ममता और तांका सरकार सबु समय एही सबु योजना को राज्य रे लागू करिवारे अवरोध करथिले। गरीब कृषक मानंकु सेमानकर सुख सुविधारु वंचित करिछि टीएमसी सरकार। तेबे मे 2 परे बीजेपी क्षमता को आसीबा मात्रे बेंगलवासीक दुख दुर्दशा को दूर करा जीवो बोली प्रतिश्रुति देइछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। इस बार आपकी साजिश